सारेगामा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। सुरेश जी किसी भी तारीफ के या तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं इनके बारे में आपको बताने वाला ना कोई हूँ, ना मैं इस योग्य हूँ, क्योंकि सुरेश जी हिंदुस्तान के और पूरे विश्व के बहुत ही प्रसिद्ध और ज़बरदस्त हरफनमौला गायक हैं। इन्होंने अपना गुरुकुल खोल रखा है, छोटे छोटे टैलेंटेड कलाकारों को जो बच्चे हैं और ख़ास तौर से वो लोग जो गरीब घर के हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें अपने स्कूल में, अगर वो अच्छे कलाकार हैं तो उन्हें ये खुद अपने स्कूल में, विद्यालय में, गुरुकुल में रहने की सुविधा से लेकर सिखाने की सुविधा से लेकर पढ़ाई लिखाई सब करवाते हैं। ज़ोरदार तालियों से सुरेश वाडकर जी का एक बार स्वागत कीजिए। इस मंच पर इनके साथ में जो दो हस्तियाँ पधारने वाली हैं, वो जो अद्भुत संगम होने वाला है तीन जजेस का, वो सपना है या हकीकत है आपको तब तो विश्वास नहीं होगा जब तक आप अपनी आंखें नहीं मलेंगे। तो आज हमारे बीच में सबसे पहले मैं जिन्हें बुलाऊंगा सुरेश जी के बाद, इन्हें भी आप पहले हमारे प्रोग्राम में मिल चुके हैं। दोस्तों मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अद्भुत गजल गायक गुलाम अली साहब जी का। अब इसके पहले कि मैं आपको कुछ कहने के लिए कहूं, मैं उस जग प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध हस्ती को आपके सामने बुलाने की हिम्मत करूं, जो बहुत ही सीनियर हैं। गुलामड़ी जी, ऐसे कुछ करूं कि मैं आप लोगों के हाथ में माइक दे दूं और आप अगर उनको बुलाएं तो कैसा रहेगा? अब मैं आपकी खिदमत में, वाकई मुझे कुछ जिम्मेवारी दारी दे दी है सोनू जी ने, तो मैं इस दौर के सबसे बड़े सीनियर गज़ल गायक को मैं दावत देता हूँ, जनाब मेहदी हसन साहब तशरीफ लाए। बहुत खुश हुआ हूँ मैं कि हमारा जो म्यूज़िक का माहौल बना हुआ है, और खुदा करे किसी तरह इसका प्रचार होता रहे संगीत का, अच्छे लोगों की आमद होती रहे। और सुरेश जी को सुना बहुत शुरू से मैं बड़ा पसंद किया, माशाल्लाह आवाज़ क्वालिटी, और गायक बहुत अच्छे गायक हैं। संगीत की काबिलियत की वजह से और सब लोगों की ऑनर्स की वजह से सही म्यूज़िक को, सही बेसिक जो बेस, क्लासिकल बेस है, उसमें ये पेश किया, इस प्रोग्राम में पेश किया जाता है, तो इससे हम बहुत खुश हैं। क्योंकि क्लासिकल जो बेस है, फोक और क्लासिकल, यही सब कुछ है, इसी में से सारे डिज़ाइन बनते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बस इसी तरह आप दोनों का, मेरे सुनने वालों का, मेरे भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, इसी ख्वाहिश के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जब तीन धुरंधर एक साथ खड़े हों तो ऐसे में जब सब यहाँ पर आएंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे, तो उनके लिए कितनी खुशी का मौका होगा। ये हैं वो चार गायक जो सेमीफाइनल में पहुँचे हैं, क्वार्टर फाइनल्स को पार करके। सबसे पहले आएंगे हमारे पहले गायक, आज तो पहले मैं मिल चुका हूँ, भले भांति सब लोग मिल चुके हैं, फिर भी जिन लोगों ने आपको पहले वाला शो नहीं देखा उनके लिए आपका नाम बता दीजिए। फैसल लतीफ। फैसल लतीफ जी, आप तो पाकिस्तान से हैं जी, राइट? कैसे महसूस करें सेमीफाइनल में आकर? इस वक्त इतने महान फनकारों के दरमियान बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ लेकिन ऑल द बेस्ट टू यू, शुभकामनाएं। थैंक यू। और अब आएंगे हमारे दूसरे गायक, हैंडसम सिंगर हैं कि मुझे आपका नाम याद हो गया, राज मुश्ताक। शुक्रिया इस बात के लिए। कैसे हैं आप? मैं सोचता हूँ ये जिंदगी, जैसे हर इंसान की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो वो कभी नहीं भूल सकता जी, तो शायद ये दिन उन सब दिनों में सबसे ऊंचा मेरे लिए ये दिन है। वाह 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 कि मैं
राजा मुस्कान के बाद अब आएंगे उस ओर से हमारे तीसरे गायक। अपना नाम तो बता दीजिए, सबको पता है वैसे। देवाशीष सेन गुप्ता। देवाशीष सेन गुप्ता जी, धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चौथे गायक, अपना नाम बता दीजिए। इम्तियाज मिर्जा नाम है मेरा। उम्मीद है कि आप अच्छे संगीत गाएंगे और कोशिश है जी, बस संगीतमय बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन लोगों को बुलाऊंगी करके, आप अपनी सीट ले लें सर। हाँ साहब, आपने देखा कोई पाकिस्तान से आया है, कोई भारत से है, और उसके पहले बहुत सारे लोग, कोई नेपाल से आया था आपके सामने। एक तरफ तो दुनिया में कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं पॉलिटिक्स चल रही है, और दूसरी तरफ ये पायदान देखिए, जहाँ पर उन्हीं देशों के लोग देखिए यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, दिख रहे हैं, और आप हैं। हाँ, तो ये लड़ाई झगड़े जो हैं ये हमें लड़ाया जाता है। बिल्कुल, क्या बात कही। हम लोग खुद नहीं लड़ते, ये बड़ी गहरी सियासत है। बिल्कुल, कि ये चैन से न बैठे। बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। अगर मिल जाए तो, मिल जाए तो बस। रामी साहब कुछ कहना चाहेंगे? जो सुर की बात है उसमें प्यार होता है। बिल्कुल, तो आप सारे गामा जो है, ये वैसे भी लफ्ज चार बनते हैं, सारे गामा, सारे गामा, तो अल्लाह करे ये सुर आपस में प्यार करते रहें और मिलते रहें, और इसके ज़रिए भी जो प्रोग्राम ये हो रहा है, इसके लिए वो भी लोग सोचें कि ये इकट्ठा होना चाहिए, सारा कुछ सुर में होना चाहिए। जब बेसुरा होता है आदमी तो फिर वो कोई फैसला, कोई अच्छा फैसला नहीं होता। सही बात है, बहुत अच्छी बात बोली सुरेश जी। जैसे संगीत की कोई भाषा नहीं होती, कोई मज़हब नहीं होता, हिंदुस्तान में भी वही सुर लगते हैं, पाकिस्तान में भी वही लगते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी हम लोग भाई भाई हैं। हाँ, इसमें भी कुछ लोग झगड़ा करते हैं गाने बजाने में, लगे रहते हैं। हाँ, तो इससे हमेशा, एटलीस्ट मैं हमेशा दूर रहना चाहता हूँ, दूर रहूँगा, कोशिश करूँगा अपने गाने को सुधारने की, आप सब बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से, आप सब के आशीर्वाद से। तो ये हमारा गाने बजाने वालों का तो कोई झगड़ा है नहीं। बिल्कुल, जब भी जहाँ पे भी हम लोग मिलते हैं, बहुत प्यार से, एक ही फैमिली की तरह से मिलते हैं, ऐसा ही प्यार ये चलता रहे, बढ़ता रहे, बस यही भगवान से आशीर्वाद चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड है, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसमें गीत देंगे आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसकी ताल बदलेंगे, अभी तक हम कॉर्ड बदलते आए थे कॉर्ड फाइनल्स में, और अब हम ताल बदलेंगे यहाँ पर हमारे साजिंदे। सबसे पहले आएंगे हमारे बीच में फैसल लतीफ जी, और देखते हैं कि इनके लिए कौन गीत बोलेगा। मेरा पिया घरे आया हो राम जी, मेरा पिया घरे आया हो राम जी, मेरा पिया घरे आया हो राम जी, मेरा पिया घरे आया हो राम जी। और ताल है ये, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, पिया घर आया सनू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सनू अल्लाह मिलाया, हुण आप कर दाने हालनी। सुरेश जी, चलो ठीक से उठाया, बिल्कुल बखूबी। अब बारी आती है दूसरे गायक की, जिनका नाम है राजा मुश्ताक हुसैन जी। मोहे आईने जग से लाज, मैं इतनी जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। वाह, और आपको ताल मिलती है ये। मुहे आई न जग से लाज, में इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। जैसा पैनल, वाह वाह,
सभी बहुत खुश हैं और आपने इस साल राउंड क्लियर कर लिया है। अब बरिया की तीसरे गायक जिनका नाम है इम्तियाज जी, और इम्तियाज जी के लिए कौन गीत बोलेगा? दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की आई। और आपको ताल मिल गई ये। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। चल जाएगा। अच्छा चल इम्तियाज जी। अब आ रहे हमारे बीच में चौथे और अंतिम गायक इस राउंड के, देवाशीष सेन गुप्ता जी, और इनके लिए कौन गीत बोलेगा? ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। देवाशीष गाना आता है आपको ये वाला? असली गाना आता है ना, पर आपको ताल मिलेगी ये। जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर समर जाए तो अच्छा। ये जुल्फ अगर खुले ठीक उठाया। ठीक है, आप क्लियर हो गए हैं। इस थर्ड राउंड में देवाशीष जी ने भी अपना राउंड पार कर लिया है और इसी के साथ ताल राउंड यहीं पर समाप्त होता है। फोर्थ राउंड में जजेस चॉइस राउंड में इंटरेस्टिंग राउंड में फिर से मिलेंगे, लेकिन थोड़े से अंतराल के बाद। सबसे पहले आएंगे हमारे बीच में पहले गायक फैसल जी। फैसल साहब, अगर आप ये धुआं सा कहां से उठता है या गुलाम अली भाई साहब का कोई गाना पेश करेंगे तो? एक पहाड़ी की ठुमरी है बड़े गुलाम अली साहब की। हाँ जरूर गाइए। मैंने जरूर जरूर की सुनी है। जरूर जरूर थोड़ी सी। बागों में पड़े झूले तुम भूल गए हमको, तुमको नहीं भूले। बागों में पड़े झूले बागों में पड़े झूले तुम भूल गए हमको, तुमको नहीं भूले। बागों में पड़े झूले रावी का किनारा है, रावी का किनारा है, रावी का किनारा किनारा है। हर मौज के होंठों पर अफसाना तुम्हारा है, हर मौज के होंठों पर। बहुत अच्छे फैसल भाई, ये जिनकी गाई हुई है मैं सही नाम बता दूं? जी, वैसे तो सब कुछ बड़े गुलाम अली खान साहब का, इस दौर का, सेंचुरी का, सब कुछ उनका है। तो ये उस्ताद बरकत अली खान साहब मरहूम, उन्होंने गाई थी और उनके बाद कभी मुझे मौका मिला मैंने भी गाया, मेरे भी रिकॉर्डेड है इसलिए। और हमारे बीच में रहे हैं राजा मुश्ताक हुसैन जी। किसी राग में भी कोई गजल आप पेश करें। मैं गजल पेश करता हूँ राग भोपाली में।
दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है। दर्द होता है मगर जाने कहाँ होता है। दिल को हर आप पर हम ही सही बात तो कीजिए मुझसे। आप पर हम ही सही बात तो कीजिए मुझसे। कुछ न कहने कुछ न कहने से मोहब्बत का गुमा होता है। अब बारी आएगी तीसरे गायक की जिनका नाम है इम्तियाज। इम्तियाज जी को देखते हैं क्या हुक्म है खास आपका सुरेश जी का। जय जयवंती या कोई और राग में कुछ आप पेश करना चाहें तो। कौन सा गीत पेश कर रहे हैं आप? दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारी। अरे वाह, रफी साहब पकाया हुआ ये गीत है। जय जयवंती अनाउंस किया ना उन्होंने। जी हाँ, जय जयवंती कह रहे हैं। जय जयवंती या कुछ और सुने? कुछ अच्छा आप। ओहो, तो ये कुछ और पे आ गया। कुछ और ठीक है फिर ठीक। दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारी। दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए। हाजिर हूँ कोई तेरे नजर दिल पे मारिए। दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए। लग जाए आप कौन किसी की नजर कहीं। लग जाए आप कौन किसी की नजर कहीं। घर जाके अपने हुस्न का सदका उतारिए। बहुत ही प्यारा गीत है। और अब आएंगे चौथे गायक आखिरी मैदान पर, देवाशीष सेन गुप्ता जी। कुछ मारवा में कुछ राग मारवा में कुछ पेशकश। मारवा में कुछ मालूम नहीं तो यमन में। यमन में भरने गई जल जमुना सजनी। भरने गई जल जमुना सजनी। भरने गई भरने गई भरने गई जल जमुना सजनी। भरने गई रोक तपन घट कुमर कन्हैया। रोक तपन घट कुमर कन्हैया। भरने गई जल जमुना सजनी। भरने गई
जल जमुना सरली भरने गई भरने गई जल जमुना सजली भरने गई भरने गई भरने गई देवाशीष जी ने ये यमन राग में बंदिश पेश की और गुणी लोगों के बीच में ये जजेस चॉइस राउंड संपन्न हुआ इनके आशीर्वाद से। दोस्तों हमने फॉर्मेलिटी के लिए हमेशा हम कहते आए हैं औपचारिकता के लिए इसे प्रतियोगिता कहा है, परंतु वास्तविकता में ये प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं है, ये एक मंच है। पहले केवल भारतीय गायकों के लिए था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियाई गायकों के लिए है। दोस्तों तीनों दिग्गज गुणीजन यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे ख्याल से सुरेश जी आप कुछ बताइए आज की प्रतियोगिता के बारे में, किसको आपने चारों गायकों में क्या देखा? बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छा गाया। जैसे कि बाज़ वक्त ऐसे ही होता है कि किसी राउंड में कोई अच्छा गाता है, कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, कहीं कहीं रह गया तो ये कंपटीशन में हो जाता है। सभी ने कहा आप लोगों की आवाज़ों को सुन सुनकर जिन लोगों ने अपनी गायकी सुधारी है वो तो अगर जब वही शख्सियत सामने खड़े हों आप लोग सब तो फिर नेचुरली सबकी। मैं एक दफ़ा बहुत ये बहुत सालों की बात है 25-30 साल की बात है, मैं गा रहा था तो नीचे से ऊपर जा रहे थे मेरे उस्ताद जी, उस्ताद मुबारक अली खान साहब जो बड़े गुलाम अली खान साहब के छोटे भाई थे, तो मैं अच्छा वाला गा रहा था ऐसे जी। तो जब वो पहली सीढ़ी पे उन्होंने पांव रखा तो मैंने कहा ऐसा अच्छा। तो ये हो जाता है किसी वक्त कभी कभी हम लोगों से भी हुआ है। सबसे होता है। मेरे साथ आप भी कुछ कहें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मौसिकी के लिए जो आप ये उठा रहे मौसिकी को आप लोगों की इसकी खुशी हो रही मुझे कि आप लोगों का कर्म है। जितने भी हमारे बच्चे आए हैं ये जी तकरीबन सब ठीक हैं, सभी ने अच्छा और ख़ासतौर पर भी ये क्लासिकल इन्होंने गाया। देवाशीष विनर कौन है, जीते कौन है? विनर फिर इन्हीं को कहेंगे हम। विनर है देवाशीष सेन गुप्ता। राजा मुश्ताक जी आपने, फैसल जी आपने, इंदिराज जी आप लोगों ने बहुत अच्छा गाया है। गुलाम ने सब कुछ कहना चाहते हैं। मौसीकी में म्यूजिक में सिर्फ कोशिश ही करते रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कब हारा कब जीता, इसमें जीत है ही नहीं ना हार है, ऐसी कोई बात नहीं। एक शेर है कि हो जिस पे जीत भी फिदा ये वो बेमिसाल हार है। वाह 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 क्या बात है। दोस्तों इसी के साथ यहीं पर समाप्त होता है हमारा सेकंड सेमीफाइनल, जिसे जज करने के लिए आज हमारा सौभाग्य है कि मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, सुरेश वाडकर जी खास तौर से आशीर्वाद देने के लिए तशरीफ फरमा है। गुलाम अली साहब क्योंकि सुरेश जी ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है और मेहंदी साहब से ऑलरेडी हम पिछले हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को अंजाम दें। बरसन लागे बरसन लागे हो बरसन लागे बरसन लागे सावन बूंदियां राजा तोरे बिन लागे ना मोरा जिया। बरसन लागे ओ बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे
बरसन लागे बरसन लागे सवन बूंदिया राजा तोरे बिन लागे ना मोरजिया आ बरसन लागे मेरा भी तुम नाम न लेना मिल जाए तो ये कह देना मिल जाए तो ये कह देना मिल जाए तो ये कह देना मेरा भी तुम नाम न लेना पग मरेगा निशा पानी पासा करे सरे नीनी सा रे मामा पगारे गरे सा नी दा ग म सा गरे धनी धनी दा गरे नी पा नी रे म प ग म रे गरे नानी धनी सा मेरा भी तुम नाम न लेना मिल जाए तो ये कह देना मिल जाए तो ये कह देना मिल जाए तो ये कह देना एक दीवाना चुप रहता है